दर्जा हरारत की इकाई, हरारत की इकाई मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हरारत की इकाइयाँ कलोरी और BTU हैं, और दर्जा हरारत की इकाइयाँ जो हैं वो फारेनहाइट या फारेनहाइट और सेंटीग्रेड है। फारेनहाइट सेंटीग्रेड BTU को समझने बहुत ज़रूरी था और इनको समझने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी AC हैं उनके रिमोट हैं उन पर फारेनहाइट या सेंटीग्रेड के हिसाब से लिखा होता है कि आपने कितने सेंटीग्रेड के ऊपर या कितने फारेनहाइट के ऊपर जो है वो इसको चलाना है। अब ऐसे ऐसे भी हैं जिसमें सारे सेंटीग्रेड फारेनहाइट दोनों हैं, दोनों का हमें गाइडलाइन देनी पड़ती है कस्टमर को कि ये टेम्परेचर जो हैं ये सूटेबल टेम्परेचर हैं, इन पर रख के आप चला दें। अब जहाँ तक फारेनहाइट का तल्लक है और सेंटीग्रेड का तल्लक है, अगर हम फारेनहाइट को समझते हैं समझना चाहें तो फारेनहाइट जो है ये थर्मामीटर मैंने बनाया हुआ है, तो फारेनहाइट स्केल के अंदर जो है जो नुक्ता खुलाव है बॉइलिंग पॉइंट है वो 212 फारेनहाइट है, 212 फारेनहाइट। अगर हम उसको फ्रीजिंग पॉइंट लेंगे नुक्ता इंजमाद या नुक्ता जमाव जहाँ पर पानी जो है वो बर्फ़ से पानी जो है वो बर्फ़ बनना शुरू होता है, तो ऐसे टेम्परेचर जो है ये 32 है, 32 जो है नुक्ता जमाद है और 212 जो है नुक्ता खुलाव है। पानी जो है अगर हम उसको गर्म करते हैं यहाँ तक 212 पानी पर पहुँच जाए, तो उसके बाद जो है मज़ीद गर्म करेंगे 212 पानी पर वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, मज़ीद गर्म करेंगे तो भाप बननी शुरू हो जाएगी, तो 212 फारेनहाइट के ऊपर भाप होगी। ऐसे ही पानी जो है उसको हम फ्रीज़र के अंदर रख देते हैं, तो फ्रीज़र जो है क्योंकि पानी की नस्बत ज़्यादा ठंडा होता है, इसलिए फ्रीज़र ने पानी की गर्मी जज़ब करते जाना है, पानी में गर्मी की कमी होती जाएगी, यहाँ तक टेम्परेचर 32 पे आ जाएगा। अब जब 32 से नीचे जाएगा तो पानी जब वो बर्फ बन जाएगा, तो 32 फारेनहाइट के नीचे बर्फ होगी, 212 फारेनहाइट के ऊपर भाप होगी, और 212 और 32 फारेनहाइट के दरमियान जो है जो 180 दर्जे हैं इनमें पानी होगा, जो 32 के करीब पानी होगा वो ठंडा होगा, जो 212 के करीब वो गर्म होगा। तो ये तो फारेनहाइट की बात है। तो डॉक्टर जो है उसके पास जो थर्मामीटर होता है उसके ऊपर जो है डिग्रियाँ लिखी होती हैं, जो 98.6 फारेनहाइट लिखा होता है, यहाँ पर एक लाइन लगी होती है, वहाँ तक अगर पारा जो है मरकरी वहाँ तक पहुँचता है तो किसी आदमी के मुंह में रखते हैं और पारा वहाँ तक पहुँचता है तो उसको बुखार नहीं है, पहले उसको झटक के नीचे की तरफ ले जाते हैं तो जुबान के नीचे रखते हैं तो हीट की वजह से पारा ऊपर चढ़ना शुरू होता है। अगर पारा 98.6 पे आ जाता है, आगे नहीं जाता, 1.5-2 मिनट के बाद बाहर निकालते हैं, इसका मतलब कोई बुखार नहीं है किसी किस्म का। अगर वो टेम्परेचर बढ़ता है 98.6 से आगे बढ़ता है 99 आ जाता है, हल्का सा बुखार है, उसके बाद और बढ़ता है 100 पे हो जाता है, बुखार थोड़ा वाजे होना शुरू हो जाता है, 100 को और होता है, 102 और होता है, 108 तक टोटल बनाया होता है उन्होंने। अगर सेंटीग्रेड में लेंगे तो 37 सेंटीग्रेड जो है इज इक्वल टू 98.6, इसका फार्मूला है। अगर आप सेंटीग्रेड को फारेनहाइट को सेंटीग्रेड में तब्दील करना चाहेंगे, ये इसका फार्मूला भी है। पहले हमें ये देखना है कि फारेनहाइट जो है, ठीक है, फारेनहाइट जो है वो तो छोटी इकाई है, सेंटीग्रेड बड़ी इकाई है, यानी एक सेंटीग्रेड जो है उसमें 1.8 फारेनहाइट के बराबर है, एक सेंटीग्रेड जो है वो 1.8 फारेनहाइट के बराबर है। वो ऐसे कि 212 में से 32 निकाल दें 180 दर्जे हैं, 100 में से 0 निकाल दें 100 दर्जे हैं,
तो अगर ये सफर कैंसिल, ये सफर भी कैंसिल कर दे तो 10 निस्बत 18 हो जाएगा। तो उसके बाद अगर हम इस सफर को खत्म करते हैं तो 1:8 आ जाएगा। इसलिए 1:8 फारेनहाइट जो है 1 सेंटीग्रेड के बराबर है। तो सेंटीग्रेड के अंदर नुकता अंजुमा जो है वो 0 सेंटीग्रेड है, और नुकता खुलाव 100 सेंटीग्रेड है। 0 सेंटीग्रेड के नीचे जो है ना वो बर्फ होगी, और 100 सेंटीग्रेड के ऊपर जो है वो भाप होगी। ये चीज जो ध्यान में रखिएगा, इसको पक्का रख लेना है। इसी से रेलिवेंट हमारा एक लेक्चर है, बहुत ही जरूरी लेक्चर है, वही लेक्चर थ्योरी की जान है। अगर उसको आप समझेंगे तो हमारे काम में बड़ी आसानी पैदा हो जाएगी। ये नहीं कि हमने से जबानी कलामी, फिर आप मैं पार्ट्स हैं हमारे पास, वो पार्ट्स आपको दिखाएंगे कि कंप्रेसर के साथ जो पार्ट लगते हैं, थर्मोस्टेट कैसा होता है, ओवरलोड कैसी होती है, रिले कैसी होती है, इसकी किसान कौन सी होती है, ये सारी चीज़ जो है ना हम कोशिश करेंगे आपको दिखाएं, ताकि आप प्रैक्टिकली इसको समझ सकें। लेकिन जब तक इस थ्योरी को नहीं समझेंगे, प्रैक्टिकल में आपको मसाइल पता होगा। अब कई बंदे जो हैं मैंने उनको देखा है प्रैक्टिकल कर रहे हैं, लेकिन जब उनसे ये पूछा जाए कि जनाब इस जगह पर कितना टेम्परेचर होना चाहिए, मेडिसिन के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए, ब्लड सेव करने के कितना टेम्परेचर होना चाहिए, सब्जियों फलों के लिए लंबी मुद्दत तक कितना टेम्परेचर होना चाहिए, आरसीजों पर कितना टेम्परेचर होना चाहिए, उनके पास जवाब नहीं है। बहुत सारे बंदों के पास काम कर रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे कारीगर हैं, नो डाउट, बड़ी ज़्यादा अल्लाह ताला की है, मैं नहीं हूँ ना कोई और है। कुछ बंदे ऐसे होंगे जो मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, कुछ ऐसे जो कम जानते होंगे। बहरतौर मैंने एक अपने जिम्मे ड्यूटी ली है कि मैं जो मुझे दिया मैं आपको आगे बांटूं, इसका जर मैंने उससे लेना है। तो आप इसको आपने ध्यान में रखना है, फारेनहाइट और सेंटीग्रेड, ये दो चीज़ें मैंने आपको बता दी, इनको गौर करें, इन पर ध्यान करें। बाज़ ममालक में सेंटीग्रेड का इस्तेमाल किया जाता है, बाद में फारेनहाइट का इस्तेमाल किया जाता है, बाद में सेंटीग्रेड फारेनहाइट दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, ईरान है, इंग्लैंड है, मिस्र है, शाम है, लबनान है, ये तमाम ममालक जो हैं इनके अंदर फारेनहाइट का इस्तेमाल जो किया जाता है। जबकि सऊदीया में, अमेरिका, कैनेडा और कई मालिक में सेंटीग्रेड का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, एक कॉमन फार्मूला है। अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो सेंटीग्रेड से फारेनहाइट हासिल कर सकते हैं, फारेनहाइट से सेंटीग्रेड को पता लग जाएगा। फार्मूला आपके सामने है, C/5 बराबर है F-32/9। C/5 = F-32/9। अब सपोज हमने 40 सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में तब्दील करना है, 40 सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में तब्दील करना है। अब यह देखना है कि फारेनहाइट में यह कितना है। उसमें ऐसा है कि 40 सेंटीग्रेड के लगा लग जगह लगा देंगे, फार्मूला बाकी वैसा रहेगा, 40/5 = F-32/9। 40/5 = F-32/9। तो अब जो है जब इसको हम काटेंगे, 5 8 = 40, 5 8/40, तो 8/1 आ जाएगा। ये मैथ का असूल है कि जितनी भी रकूम होती हैं, बेशक 1 हो 2 हो 10 हो 50 हो 100 हो लाख हो 2 लाख हो 10 लाख हो करोड़ 10 करोड़ हो, उसके नीचे एक
होता है लिखते नहीं है, ये समझ लें। जब जरूरत महसूस करें तो एक को इस्तेमाल कर लेते हैं, जब जरूरत महसूस नहीं करते तो एक को इस्तेमाल नहीं करते। जैसे 8/1 है 8 ही है, लेकिन एक बवक्त जरूरत महसूस करेंगे तो हम एक को इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब इसका हमने इसको सर काटा तो 8/8 8/1 आ गया, इज इक्वल टू एफ माइनस 32 32/9 वैसे ही है। अब इसमें ये इक्वेशन जो है, जो मसावत है, मसावत का सूल होता है कि अगर कोई बाएं तरफ से रकम दाएं तरफ लेकर जाएं, दाएं से बाएं तरफ लेकर जाएं, तो मनफी जमा हो जाएगी, जमा मनफी हो जाएगी, ज़रब तकसीम हो जाएगी, तकसीम ज़रब हो जाएगी, जिसको हमें हम उर्दू में चिल्ले भाई भी कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इंग्लिश में कहेंगे। तो इस तरीके से बाएं तरफ रकम दाएं तरफ जाएगी, अगर जमा है तो मनफी हो जाएगी, मनफी है तो जमा हो जाएगी। इसी तरीके दाएं से बाएं तरफ लेकर आए तो ज़रब तकसीम हो जाएगी, तकसीम से ज़रब हो जाएगी, उलट हो जाएगा, इतना हो। अब यहाँ पर जो है ये आपके पास रकम आ गई, जब हम इसको ये ऊपर है एफ मनी 32/9 का मतलब ये है कि एफ मनफी 32/9 है, बटा नौ का मतलब तकसीम नौ है, नौ से तकसीम है, और तकसीम जब इधर आएगी तो ज़रब हो जाएगी। तो अब जो है ये इधर आ गई, ऊपर से नीचे आ गई, ठीक है, और ये इधर चले गया। अब 8/1 का मतलब 8/1 है, इधर आकर ज़रब हो गया, तो नौ के साथ ये ज़रब हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये जो है अगर हम इसको इधर लेके जाते हैं, -32 को दूसरी तरफ लेके जाते हैं, तो ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो ये 8/9 से मल्टीप्लाई किया तो 72 आ गया, 8/9 = 72। 72 जो है उसमें हमने 32 जो है वो जमा कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो एफ यहाँ अकेला रह जाएगा, 100 इज इक्वल टू 72 + 32 इज इक्वल टू 104 फारेनहाइट, तो 104 फारेनहाइट जवाब आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि 40 सेंटीग्रेड जो है 104 फारेनहाइट के बराबर है, 104 फारेनहाइट के बराबर है। अब इसी से अंदाजा कर लें कि अगर हम 26 सेंटीग्रेड पर रखते हैं अपने रिमोट के ज़रिए अपने एसी को, स्प्लिट एसी सादा है या इन्वर्टर है, उसको हम रखते हैं तो फारेनहाइट में कितना हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमें आसानी हो जाएगी। अब आगे चलते हैं, अगर हमारे पास यही 104 फारेनहाइट हैं, इनको हम तब्दील करना चाहते हैं सेंटीग्रेड में, तो ये पड़ताल हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा कि हमारी बात सही है या गलत है, फार्मूला ठीक है या नहीं सही है। अब हम जहाँ एफ लिखा हुआ है, एफ की जगह हम जितने फारेनहाइट हैं उनको लिख लेंगे। 104 फारेनहाइट लिखा गया, वैसे मनफी का निशान है, 32 लिखा हुआ है, नीचे 9/2 है, इधर 3/5 है। अब हम सबसे पहले 104 में से 32 निकालेंगे, 104 में से 32 निकाले तो 72 हमारे सामने आ गया, 72 लिख के c/5 ऐसे लिखा रह जाएगा, इज इक्वल टू 72/9, c/5 बराबर है 72/9, ठीक। अब फिर हम इनको हम क्रॉस करते हैं कि c/5 का c तकसीम पहुंच जाए, ये तकसीम इधर ज़रब हो जाएगी, 9 वैसे लिखा जाएगा, ज़रब हो जाएगी। अलजबरे का सूर यह है कि 9c लिखा हुआ है, इसका मतलब 9 ज़र्ब c है, लेकिन लिखा नहीं जाता, होता यह ज़र्ब ही है, मल्टीप्लाई होता, तो 9c लिखा जाएगा, 9 वैसे आएगा, c इधर आ जाएगा। अब
यहाँ पांच इधर ही है, जब 72 बटा 9 का मतलब ये है 72 तकसीम 9, ये तकसीम इधर आकर ज़रब हो जाएगा, 72 ज़रब 5, 72 मल्टीप्लाई 5, 5 ऐसे ही है, 72 इधर आ गया, 72 इधर आ गया, कोई मुश्किल बात नहीं है, थोड़ा सा गौर करना आपने, ज़रब तकसीम हो जाएगी, तकसीम ज़रब हो जाएगी। अब हमने 72 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 360 आ गया हमारे पास, ठीक है, 5 × 2 = 10, 1 कैरी, 5 × 7 = 35, 1 जमा कर लें 36 हो गया, 360 ये आ गया, 9 सी वैसे ही अभी, उसका हमें छेड़ा ही नहीं है, ठीक है। अब जो है ये ज़रब है, इसको इधर ले आएंगे, तकसीम हो गया 360 तकसीम 9, सी इधर आ गया, तो 360 को 9 से तकसीम किया तो जवाब हमारा 40 आ गया, सिफर वैसे आ जाएगा, 9 × 4 = 36, तो 40 सेंटीग्रेड जवाब आ जाएगा, सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड, सी इज इक्वल टू 3360/9, फिर आप इधर आ जाएं, सी इज इक्वल टू 40 सेंटीग्रेड, तो यही हमने शुरू किया था, 40 को जब सेंटीग्रेड को फार में दीजिए 104 आ गया, 104 को हम दोबारा सेंटीग्रेड में 40 आ गया। ये हमारे पास फार्मूला जो है ये मद्देनजर रख के, सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, 3 मिनट लगते हैं, 3-4 मिनट के अंदर मैक्सिमम आपने सवाल जो आपने खा लेना है, तो आपको पता होना चाहिए, जैसे डॉक्टर हैं, डॉक्टर को पता होता है मेडिकल साइंस के अंदर सेंटीग्रेड को फार्मिन, फार्मिन को सेंटीग्रेड में कैसे तब्दील करें, 2 फार्मूले बना सकते हैं, लेकिन ये मुश्तरक फार्मूला बेहतर है, दोनों तरफ काम दिया जाता है, इसलिए सी बटा 5 बराबर है एफ मल्टी 32/9, ये फार्मूला जो है पक्का कर लेना है, याद कर लेना है, इससे हमें आसानी होगी कि वी विल नो हाउ टू कन्वर्ट द सेंटीग्रेड इंटू फारेनहाइट एंड फारेनहाइट इंटू सेंटीग्रेड, ये बहुत अहम है, इसको जहन में रख लें, सेंटीग्रेड आपने पढ़ा, पहले पढ़ लिया है, फारेनहाइट भी पढ़ लिया है, इससे पहले जो हीट के कहीं है वो भी पढ़ लिया है, क्लोरी पढ़ लिया और ब्रिटी भी पढ़ लिया है, ये हमारे काम के साथ 100% रेलिवेंट हैं और इनको ध्यान करना है। बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जिनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं जो बहुत पुरानी हैं और जिनका लिंक हमारे काम के साथ इतना ज़्यादा नहीं है या है ही नहीं बार दफ़ा, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हम उतनी थ्योरी पढ़ेंगे जो हमें प्रैक्टिकल में आसानी हो जाए, तो इस थ्योरी का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब एक आदमी के घर जाते हैं, वहाँ जाके उसका एसी चल नहीं रहा था, हमें सिर्फ सेंटीग्रेड के बारे में पता है, फारेनहाइट के बारे में पता ही नहीं है, अब उसे फारेनहाइट पर रखा हो, कहते मुझे इस पर चला कर दिखाओ, आप ये कहते हमें पता ही नहीं है, तो फिर आप कारीगर तो नहीं ना, फिर आप वो, हालांकि आप बहुत सारा प्रैक्टिकल काम जानते हैं लेकिन वहाँ आके मार खा गया, ऐसे आप फारेनहाइट के बारे में सेंटीग्रेड के ऊपर आपसे पूछ ले, तो ये दोनों के बारे में पता होना चाहिए कि सेंटीग्रेड में कितना, फारेनहाइट में कितना, और कहाँ पर कितना टेम्परेचर रखना है। जैसे आपको मैंने एसी के बारे में बता दिया था कि 70 फारेनहाइट से 80 फारेनहाइट, बेहतर 75 फारेनहाइट से 82 फारेनहाइट, जब फारेनहाइट का पता ही नहीं होगा तो आप कैसे रखेंगे, कैसे पता लगेगा। ऐसे ही डिफ्रीजर है, उसमें टेम्परेचर कितना होना चाहिए, इलेक्ट्रिक वाटर कूलर जो है पानी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, जो एयर कंडीशन का टेम्परेचर कितना है, तो वहाँ मुख्तलिफ जगह पर चीज़ें फ्रीज करनी है वहाँ टेम्परेचर कितना है, चीज़ें देर तक ठंडी रखनी है वहाँ टेम्परेचर कितना है, आज ही ठंडी रखी कितना टेम्परेचर है, तो ये आपको पता होगा तो रखेंगे ना, इसलिए ये फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए, सेंटीग्रेड फारेनहाइट के बारे में भी मालूम होना।